क्रैन यानी कि सारस पक्षी बाघों के पिंजरे में घुस गया। अब पिंजरे में घुसने के बाद तीन तीन भूखे बाघ नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए, लेकिन सारस ने हिम्मत ना हारते हुए दोनों पंख फैलाकर बाघों से मुकाबला शुरू कर दिया। हालांकि बाघों के सामने सारस की ताकत मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन सारस के पास आखिरी विकल्प यही बचा था। उसकी हिम्मत कारगर साबित हुई। उसके कुछ ही देर तक डटकर मुकाबला करने के बाद और सारस द्वारा बाघों को खदेड़ने के बाद ज़ूकीपर्स की एक टीम पहुंच गई, जिन्होंने पिंजरे में उतरकर सारस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।